another point, that is free and compulsory education to the weaker and the disadvantaged section by RTE Act 2009. 25% free admission to students. So that's true. आपका जितना बचा है, किसी के पास 1000 बचा है तो 250 बचा आपका वहां पर, इधर जरूरत ही नहीं है। बट ये चीजें जो है छोटी छोटी बातें, इनको हम एड्रेस हासिल करेंगे तो बहुत हद तक हम अपने इस सोसाइटी को, अपने छोटी छोटी बातों को हम एड्रेस नहीं करेंगे। यही बातें जो है यही जाकर फिर बाद में बड़ी बनती है। मीटिंग के हवाले से जो बाकी भी अलाइव पॉइंट थे, एक टेम्पररी का छोड़िए, हमारी बेसिक नीड्स अभी भी इस सैलरी में, बट दिस वन इशू सर, सी दिस क्लीनिंग अंडर कल्चर्स एंड वी आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट 100, से फॉर एग्जांपल ऑफ माय स्कूल, आई एम प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एट लीस्ट 500 प्लस एम्प्लॉयज। तो आई हैव इशू दैट्स नॉट बीइंग एड्रेस एनीवेयर इन एनी फॉर्म, देयर इज अ फी फॉर फी डिफॉल्टर्स। I had hundreds, thousands of years together. अच्छा, दूसरा सर को, बच्चा कभी 10 के बाद 11 के बाद स्कूल आता है उसको अलाउड नहीं किया जाता है, तो वो कहाँ जाता है फिर, ये आप खुद अंदाजा लगाइए। या तो वो सिगरेट दुकान पर जाएगा, या अगर उसको कोई ड्रग पेडलर मिल गया तो वो बच्चा खत्म हो गया। इसलिए जब भी आएगा बच्चा उसको अलाउड कीजिए। अच्छा, नोडल टीचर्स जो सर आपने बताया, नोडल टीचर्स की डिटेल हमें चाहिए अलॉन्ग विद 7 स्टूडेंट्स। नोडल टीचर जो आपका होगा वो पॉइंट पर्सन भी होगा, जिससे हम ऑन एंड ऑफ इंफॉर्मेशन मांगेंगे। दूसरा, हेल्थ एंड वेलबींग क्लब्स, हेल्थ एंड वेलबींग क्लब्स वो आप बनाएंगे, उसमें एक टीचर और 7 स्टूडेंट रहेंगे, वो हमारे साथ शेयर करना है। और सजेशन बॉक्सेस, चाइल्ड एब्यूज अक्सर हो रही है, हेरासमेंट स्कूलों में हो रही है, ये बच्चा किसको बताएगा? हाँ, ये ग्रीवेंसेस बॉक्सेस, सजेशन बॉक्स उस जगह पर होना चाहिए जो इजी एक्सेस होगा, बच्चा उसमें स्लिप डालेगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे एनक्वायर के मास्टर ट्रेनर हैं आप सब, ये आज के एनएमबीएससी बच्चा जो हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स करती है सारी चीजें जो है वो की जा रही है। और भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी ऐसी जगह पर, हमारी वजह से किसी बच्चे का फ्यूचर जो है, क्योंकि उसका फ्यूचर हमारे पास है, तो अगर हम अब्यूज से रिलेटेड है, हमें ये पता नहीं है, तो उस समय हम क्या कर, हमें घरानों से आ रहे हैं, वो किस जगह से आ रहे हैं, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो भी जो ये बच्चे पढ़ते हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स, हम दोनों स्कूल्स को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में देख रहे हैं। तो कुछ सर्कुलर्स और कुछ आर्डर्स जो हमारी गवर्नमेंट निकालती है, या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, डिप्टी कमिश्नर, जो भी सर्कुलर्स और आर्डर्स निकालते हैं, तो मैंने ये देखा कि काफ़ी इशूज़ जो हैं प्राइवेट स्कूल्स में ऐसी अनएड्रेस्ड रह जाते हैं। तो उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए मैंने, एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला, मैंने इन प्राइवेट स्कूल्स HOIs की आज यहां पर मीटिंग ली, जिसमें कि एनकॉर्ड के हवाले से, या नशा मुक्त भारत अभियान के हवाले से, या ट्रांसपोर्ट के हवाले से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी, मैंने इनको पास ऑन की। और मैंने इनको फ्यूचर कहा कि जितने भी हमारे सर्कुलर्स या जो भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, उस पर आप उनको चलाने की कोशिश करो, उस पर आप अच्छी तरीके से चलो, ताकि आपका स्कूल अच्छी तरीके से चल सके। और जो आप गाड़ियां वगैरह जो आप रोड्स पर लगा देते हो, उन गाड़ियों के लिए प्रॉपर पार्किंग बनाएं अपने स्कूल कैंपस में। और नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में या एनकॉर्ड के बारे में जो भी गाइडलाइंस हैं, वो आपने ये भी देखा होगा कि स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस जो हमने आज यहाँ पर तमाम HOIs में डिस्ट्रीब्यूट किया, इन्हीं इसी के लिए आज हमने इनको यहाँ पर बुलाया था। देखिए, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो ऑलरेडी हमारे डायरेक्टर साहब ने एक सर्कुलर एक निकाला है कि जो भी हमारे पोस्ट सेक्शन के बच्चे हैं या डिसएडवांटेज बच्चे हैं, उन बच्चों को 25% फ्री एजुकेशन जो है हमारे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स ने प्रोवाइड करनी है। सर, क्या वो देते हैं सर? जैसे कि आपने खुद देखा कि कुछ HOIs ने
उनको मैंने ये भी कहा कि मुझे इस चीज़ की लिस्ट चाहिए, और उन्होंने कहा सर वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस आर्डर इन लेटर एंड सेपरेट इन आवर इंस्टीट्यूशन, दे विल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स। यही मैसेज है अपने तमाम HOIs से, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन है, इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना है, और जो समाज में बिद्दतें फैल चुकी हैं इसके लिए हमें बिल्कुल कोशिश करनी है ताकि हम बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकें।